बस्ती में इंग्लिश की क्लास को लेकर प्रदर्शन कर रहे एपीएन कॉलेज के छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। एक नहीं बल्कि दो दो जगहों पर उनको पुलिस ने घेरा और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई, पत्थर भी चले जिसमें एक सिपाही छात्र नेता आदित्य त्रिपाठी सहित कई छात्र जख्मी हो गए। लेकिन एसएसपी साहब का मानना है कि छात्रों पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। उसी कॉलेज के कुछ बच्चे जो है वो अपना अनशन पे बैठे हुए थे, अपने उनकी कॉलेज संबंधी डिमांड्स होंगी, तो पहले वो कॉलेज परिसर में बैठे हुए थे तो कोई समस्या नहीं थी। फिर मेन रोड पे जो है मतलब वहाँ पे अनशन देने लगे तो यातायात बाधित हो रहा था। लाठी चार्ज नहीं, ऐसा कुछ। गुस्साए छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। छात्रों का आरोप था कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की वजह से इंग्लिश की क्लास सही से नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। अपनी मांग को लेकर छात्र पहले कॉलेज परिसर में ही प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर वो उग्र हो गए और रास्ता जाम कर आगजनी करने लगे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने छात्रों को शांत कराया, जिसके बाद हालात काबू में आ सके। बस्ती से न्यूज एक्सप्रेस के लिए अमृत लाल की रिपोर्ट।